आरएफबीटी रिकवरी फोकस बिहेवियर थेरेपी, आप अक्सर वीडियो में पूछते हैं सर ये आरएफबीटी क्या है। आरएफबीटी एक थेरेपी है जिसका आविष्कार डॉक्टर राकेश जैन जी ने किया है। वास्तव में डॉक्टर राकेश जैन जी साइको इतिहास के अंदर और इस मानवता के लिए एक अनमोल रत्न है। आज उन्हीं की एक थेरेपी को डिस्कस कर लेते हैं, आरएफबीटी। हेलो नमस्कार, साइको गुरु राजेंद्र आदर्य जोधपुरी आज की इस अद्भुत साइको एजुकेशनल वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। ऑनलाइन काउंसलिंग साइकोथेरेपी से इलाज मानसिक व्याधियों का आसान और सस्ता तो होता ही जा रहा है। आरएफबीटी रिकवरी फोकस बिहेवियर थेरेपी वास्तव में ये ओसीडी के लिए कारगर थेरेपी है। डिप्रेशन के लिए भी मैंने यूज किया है, उसमें भी ये कारगर है। तमाम तरह की मानसिक परेशानियां हैं उनमें ये कारगर थेरेपी है। इसमें होता क्या है, रिकवरी, पहले आर की बात कर लेते हैं, रिकवरी, क्योंकि जिनको ओसीडी है, फोबिया है, परेशानी है, वो उलझ जाते हैं चीजों के अंदर, जो उनके साथ हो रहा है उसी में वो उलझ जाते हैं। वो ये सोच ही नहीं पाते हैं कि वो ठीक भी हो सकते हैं, उनके मन में ये विश्वास ही नहीं रहता कि वो ठीक हो सकते हैं। उनको लगता है कि अब इस जिल्लत भरी जिंदगी, नरक जैसी जिंदगी में ही उन्हें हमेशा जिंदा रहना पड़ेगा, तो वो कल्पना ही छोड़ देते हैं खुशहाल जिंदगी की। तो उनको करना क्या है कि उन्होंने ऐसा देखना है कि वो ठीक होने के बाद करेंगे क्या, रिकवरी, ठीक होने के बाद करेंगे क्या, फोकस, फोकस कहां करना है, ठीक होने के बाद, कि ठीक होने के बाद वो क्या करेंगे। जैसे जिनको ओसीडी है, जिनको गंदगी से डर लगता है, जो हाथों को बार बार धोते हैं, तो ठीक होने के बाद वो हाथों को कैसे धोएंगे उसकी एक बार रिहर्सल करके देखिए। जो चलते हैं, पांव फूंक फूंक कर रखते हैं, या दूसरों ने जहां जहां चीजें रखी उनको साफ करते हैं, तो ठीक होने के बाद उनसे डील कैसे करेंगे। उन्हें जो एंग्जाइटी होगी वो तो इसलिए हो रही है क्योंकि अभी तो उनको ओसीडी है, और जब ठीक हो जाएंगे तब एंग्जाइटी बिल्कुल नॉर्मल होगी, तो थोड़ी देर के लिए होगी, लेकिन वो तो ठीक हो चुके हैं तो वो उनके साथ आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो इस चीज की प्रैक्टिस करते रहें कि ठीक होने के बाद मैंने करना क्या है, कैसे करना है। जो बार बार हाथ धोते हैं वो एक बार हाथ धो करके आ जाइए कि ठीक होने के बाद भी तो मैंने ऐसे ही धोना है, तो आज ही ये करके देख लेता हूं। जो गंदगी से ज्यादा सेंसिटिव हैं वो पूरी गंदगी में रहना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ठीक होने के बाद भी तो गंदगी में ही रहना है, तो क्यों ना आज ही कार्य शुरू कर दें, शुभ काम में देरी कैसी। जो चेकिंग करते हैं उनको भी तो बाद में चेकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आज ही छोड़ के कम से कम जी के देखें जो आगे आने वाला जीवन है। तो जो रिकवरी होने के बाद जो जीवन होगा उनका, उसके ऊपर फोकस कर दें। हर दिन मन को ये ट्रेंड भी करें कि वो ठीक होने के बाद किस तरह का रिएक्ट करेंगे, किस तरह का रिस्पोंड करेंगे। वास्तव में वो सोच ही नहीं पाते हैं कि वो ठीक भी हो जाएंगे या ठीक होने के बाद ऐसा करेंगे, क्योंकि उनकी इमेजिनेशन ही उसी ओसीडी में, डिप्रेशन में फंस के रह गई है। तो उन्होंने अपने आने वाले जीवन के ऊपर काम करना है, उसे मन को ट्रेनिंग देते रहना है। वो शाम सुबह जितनी बार भी ट्रेनिंग देते रहें, इससे रिलेटेड आरएफबीटी ओसीडी का एक वीडियो है, फुल आधे घंटे का एक वीडियो है डॉक्टर राकेश जैन जी का, उनके चैनल पे जाकर के आप जरूर देखें। ये आज का वीडियो मैंने महज इंफॉर्मेशन के लिए बनाया है, ये इलाज नहीं है, ये थेरेपी का एक अंश मात्र है कि आपको जानकारी मिल जाएगी, और पूरा वीडियो आप डॉक्टर राकेश जैन जी के चैनल पे देख सकते हैं। तो करना यही है कि हर दिन माइंड को ट्रेंड करना है, क्योंकि ओसीडी में भी तो हमने ट्रेनिंग की है ना माइंड की, कि गंदगी होती है, चेकिंग करनी होती है भगवान के प्रति, इतने सालों की ये ट्रेनिंग है। तो अब सुबह शाम जब भी समय मिले, 5 बार 3 बार 2 बार, तो कुछ समय अपने लिए निकालें, कुछ मानसिक रिहर्सल करें कि ठीक होने के बाद वैसा वैसा करेंगे, वैसा वैसा होने वाला है, उसकी इमेज मन में बना लीजिए, फिर प्रैक्टिकली भी करें। प्रैक्टिकल करना जरूरी है, क्योंकि ये वीडियोस या किताबें आपको जानकारी तो दे सकती है, लेकिन ठीक तो प्रैक्टिकल से ही होते हैं, अभ्यास से ही ठीक होंगे। लोग बात बताने वाले बहुत से मिल जाएंगे, बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जिनमें बातें बहुत अच्छी अच्छी हैं, आप बातों के तो पहाड़ लगा दोगे, अंबार लगा दोगे, लेकिन ठीक तो अभ्यास से ही होंगे, प्रैक्टिस से ही होंगे। मन को हर रोज ट्रेंड करना होगा, मन को ट्रेंड करना होगा, पहले मेंटल रिएक्शन भी करनी होगी, सोने से पहले भी, और सुबह उठने के बाद भी, दोपहर को भी, जब भी समय लगे, और प्रैक्टिकल भी साथ के साथ जारी रखना है। विचारों पर भी फोकस करना है, एक्शन पर भी फोकस करना है, और व्यवहार बदलेगा उसके ऊपर भी
फोकस करना है। तो यार आरएफ बीटी एक अद्भुत और एक चमत्कारिक थेरेपी है। आप चूक न जाना, साइकोगुरु टीम से बात करना। अगर आप साइकोगुरु टीम से बात करते हैं इलाज संभव मानिए। आप इन वीडियोज के लिए समय निकालते हैं, इसके लिए साइकोगुरु राजेंद्र आपका तहे दिल से आभारी।